तो चलिए गाइस क्रोसॉन बनाते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप हमारे डो को बहुत अच्छी तरीके से राइस कर लिया था और अब यहाँ पर इसको दबा कर इसमें से सारी एक्स्ट्रा एयर हम स्क्वीज कर देते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले काउंटर के ऊपर मैंने थोड़ा सा मैदा रेस्ट किया और एक बड़ा लेकर उसे बहुत अच्छे तरीके से बेल लिया और यहाँ पर तकरीबन मैंने 8 पेड़े लिए और उनको बहुत अच्छे तरीके से बेला। अब यहाँ पर मैंने बटर लिया है, इसे मैंने मेल्ट कर कर एक एक करके लेयर पे लगाती गई और उसके ऊपर लेयर चढ़ाती गई। अब यहाँ पर लेयर जब सारी पैक हो गई तो इन्हें मैंने फ्रीज़र के अंदर तकरीबन 30 मिनट्स के लिए छोड़ दिया था। अब यहाँ पर इसको हम लोग हल्के हाथों से इसे जो है ना बेल लेते हैं। इस तरीके से आप लोगों को बेलते हुए 16 इंचेस की रोटी बेल लेनी है। अब यहाँ पर आप लोगों को इसके 8-9 ट्राइंगल की शेप के अंदर आपको इन्हें काट लेना है। और अब यहाँ पर आप देखो कोई भी आप फिलिंग कर सकते हो, तो मैंने यहाँ पर कोकोनट क्रश और जो शुगर होती है उसकी फिलिंग की थी और बस सीधे मैंने किस तरीके से इसे शेप दी और यहाँ पर अपनी जो मलाई होती है उनके ऊपर वो लगाई इसके ऊपर। आप चाहो तो आप अंडे को ब्रश कर सकते हो इसके ऊपर और यकीन जानो दी अगर सुपर डिलीशियस रेसिपी एंड ईजी ऑल्सो ईजी और इसकी लेयरिंग पूरी की पूरी दिखाई दे रही थी। जीरो ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को, वीडियो अच्छी लगे वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा, इसे शेयर कीजिएगा और चैनल पर नया चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती है नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।